अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी हफ्सा फारूक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज न्यूज एजेंसी एंड वी विल डिस्कस एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। ऑल्सो सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। They relied instead of news agencies, especially AWAS, founded 1835 in France, and the Associated Press, founded 1846 in the United States. Former AWAS employees founded Reuters in 1851 in Britain and Wolf in 1849 in Germany. AWAS is now Agency France Presse, AFP. In the 1830s, France had several specialized agencies. Agency AWAS was founded in 1835 by a Persian translator and an advertising agent, Charles Louis AWAS, to supply news about France to foreign customers. In the 1840s, AWAS gradually incorporated other French agencies into his agency. Agency AWAS involved into Agency France Presse, AFP के नाम से जो कि अब मशहूर है। टू ऑफ हिज एम्प्लॉईज
बर्नार्ड वुल्फ एंड पॉल जुलियस रॉटर्स लेटर सेट अप राइवल न्यूज एजेंसीज, वुल्फ टेलीग्राफिचीज ब्यूरो इन 1849 इन बर्लिन एंड रॉयटर्स इन 1851 इन लंदन। गुलमो स्टेफानी फाउंडेड द एजेंसिया स्टेफानी विच बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेस एजेंसी इन इटली फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी टू वर्ल्ड वॉर टू इन ट्रेंट इन 1853। द डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राफ इन द 1850s लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशनल एजेंसीज इन इंग्लैंड जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। बट डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट थ्रू टेलीग्राफ लॉज सच एज इन 1878 इन फ्रांस इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1869 विच पेव द वे फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ टेलीग्राफ कंपनीज एंड देयर ऑपरेशन द कॉस्ट ऑफ टेलीग्राफी रिमेन्ड हाई। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूज पेपर्स द एसोसिएटेड प्रेस वॉज नाउ चैलेंज बाय द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड प्रेस एसोसिएशन इन 1907 एंड इंटरनेशनल न्यूज सर्विस बाय द न्यूज पेपर पब्लिशर विलियम रेंडोल्फ हर्ट्स इन 1909। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द मूवमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल एजेंसीज एक्सेलरेटेड। एजेंसिया स्टेफानी वॉज डिसॉल्व्ड इन 1945 एंड इट्स टेक्निकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वर ट्रांसफर्ड टू द न्यू एजेंसिया नाजियाना स्टेम्पा असोसियाटा ए एन एस ए। वुल्फ वॉज टेकन ओवर बाय द नाजिया रिजिम इन 1934 एंड रॉयटर्स कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज अ मेजर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी टूडे। Since the 1960s, the major agencies were provided with news opportunities in television and magazine, and news agencies delivered specialized production of images and photos, the demand for which is constantly increasing. एक शॉर्ट हिस्ट्री की हमने बात की कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी पूरी न्यूज एजेंसी की और फिर किस तरह से उनमें डेवलपमेंट आती गई फर्दर पहले और हर अब इतनी ज्यादा इसमें डेवलपमेंट आ गई है कि हर नेशनल लेवल पे भी न्यूज एजेंसी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी न्यूज एजेंसीज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज एजेंसी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज एजेंसी यूजुअली मे कवर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें किसी भी न्यूज एजेंसी का तो उसमें ये डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट होते ही हैं। न्यूज डिपार्टमेंट, एडिटिंग डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट। नंबर फोर, न्यूज सर्विसेज एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट, टेक्निकल अफेयर्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल अफेयर्स डिपार्टमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें न्यूज डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे न्यूज की कलेक्शन हो रही होगी और एडिटिंग डिपार्टमेंट में न्यू एडिटिंग हो रही होगी जिस तरह से आपने न्यूज एडिट करनी है और फर्दर उसको आगे आपने पब्लिश करना है तो उस तरह न्यूज डिपार्टमेंट में न्यूज कलेक्शन वगैरह हो रही होगी, एडिटिंग में एडिटिंग हो रही होगी, इन्फॉर्मेशन स्टडीज में इन्फॉर्मेशन आ रही होगी आपके पास, स्टडीज की जा रही होंगी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बन रही होंगी उस न्यूज पे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है न्यूज सर्विस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड सारी स्ट्रेटजीज और न्यूज सर्विस से रिलेटेड सारी स्ट्रेटजीज जो भी है वो यहाँ पे डिस्कस होती हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट सारी फॉरेन रिलेशंस हैंडलिंग की उसमें और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सारी ये प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे होते हैं और इस तरह की डिस्कशन और चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। टेक्निकल अफेयर्स में टेक्निकल सारी अफेयर्स जितने भी डिस्कस हो रहे होते हैं सॉल्व हो रहे होते हैं और यहीं से सारा सिलसिला जो है चल रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन या अफेयर्स होते हैं वो यहाँ से डील हो रहे होते हैं। तो एटलीस्ट अगर हम एक न्यूज एजेंसी की बात करें तो इसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। रोल स्कोप, रोल एंड स्कोप ऑफ न्यूज एजेंसी
और ये भी कह सकते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ अ न्यूज एजेंसी। बेसिक फंक्शन ऑफ अ न्यूज एजेंसी इज टू डिलीवर अप टू डेट इम्पार्शियल एंड वेल रिटन न्यूज। जो बेसिक फंक्शन है किसी भी न्यूज एजेंसी का वो तो ये है कि उस डिलीवर करे अप टू डेट और इम्पार्शियल और अच्छे से लिखी हुई वेल रिटन न्यूज जो है वो आगे डिलीवर करे। दिस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रिविजन ऑफ स्टोरीज। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या कंटिन्यूअस रिविजन चाहिए होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे होते हैं कि स्टोरीज में, क्योंकि आपने अप टू डेट जब इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर आपने कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस जो है रिविजन प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हैं जो भी न्यूज एजेंसीज होती हैं। एन एडिशनल एम इज टू कीप इंटैक्ट एज मच ऑफ ईच ओरिजिनल स्टोरी एज पॉसिबल। एक इनका एडिशनल एम ये होता है कि एक कीप इंटैक्ट मतलब रखें उसकी जो एक ओरिजिनल स्टोरी है उसको उसी तरह ओरिजिनल रखें, सो दैट मटेरियल ऑलरेडी सेट इन टाइप मे बी रिटेन। द रिजल्ट इज दैट अ बेसिक स्टोरी विल बी रिवाइज्ड मेनी टाइम्स इन बिट्स रेंजिंग फ्रॉम एन इंसर्टेड फ्रेज टू अ फ्यू पैराग्राफ्स। कह रहे हैं एक बेसिक द रिजल्ट इसके क्या होता है कि एक बेसिक स्टोरी भी जो होती है वो आपसे रिवाइज की जाती है, बार बार उसे रिवाइज किया जाता है उसका एक फ्रेज से लेके उसके फ्यू पैराग्राफ्स तक, तो रिविजन चलता रहता है क्योंकि आपने न्यूज जो है एक एक्यूरेट न्यूज देनी है और अप टू डेट न्यूज देनी है। जनरली ओनली द मोस्ट टाइमलेस फीचर्स एंड इनसिग्निफिकेंट साइड बार्स आर मूव्ड इन सिंगल नीट पैकेजेस दैट स्टैंड फॉर एन इंटायर ट्रांसमिशन साइकिल। द स्टोरीज आर रिवाइज सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू करेक्ट एरर्स। वही बात की जा रही है कि स्टोरीज जो है वो रिवाइज की जाती हैं बार बार ताकि उसमें कोई भी एरर हो तो उसे करेक्ट किया जा सके। एट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रूफ एम्फोसिस रीडेबिलिटी एंड ब्राइटनेस। इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो पढ़ने के काबिल हो और अच्छी ब्राइटनेस हो उसमें और अच्छे से न्यूज जो है वो दी जाए। न्यूज एजेंसी हैज इट्स ओन सोर्सेज ऑफ न्यूज इंक्लूडिंग इट्स सेपरेट रिपोर्टिंग सेक्शन एंड फॉरेन बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट। न्यूज एजेंसी जितनी भी न्यूज एजेंसी होती है उनका एक अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जहाँ से वो इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर वो लेते हैं या जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं। उनकी अपनी रिपोर्टिंग सेक्शन हो सकता है कि कोई उनके अपने रिपोर्टर्स हो सकते हैं जो उनको रिपोर्ट करें न्यूज, या फिर उनका फॉरेन बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर उनका जो ताल्लुक है वो फॉरेन बेस्ड जो है कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, वो वहाँ से न्यूज जो है उनको मिल सकती है। अ सेपरेट न्यूज रूम परफॉर्म्स द सिलेक्शन एंड एडिटिंग प्रोसेस अंडर द सुपरविजन ऑफ डेस्क इंचार्ज एंड शिफ्ट इंचार्ज। जो सेपरेट न्यूज रूम होता है उसमें उसमें क्या किया जाता है, सिलेक्शन एंड एडिटिंग प्रोसेस किया जाता है और उस सुपरविजन कौन कर रहा होता है, डेस्क इंचार्ज एंड शिफ्ट इंचार्ज के अंडर ये सारा काम हो रहा होता है जहाँ पे न्यूज की सिलेक्शन और न्यूज की एडिटिंग हो रही होती है। न्यूज एजेंसीज राइटर्स एंड एडिटर्स यूजली वर्क अंडर द प्रेशर। न्यूज एजेंसी के जो राइटर्स कह लें या एडिटर्स हैं वो ज्यादातर अंडर द प्रेशर ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी सारी न्यूज होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो फिर क्या होता है कि उनपे ज्यादा प्रेशर होता है ऑब्वियसली। न्यूज एजेंसीज हैव मेन ट्रंक डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स रनिंग अक्रॉस द कंट्री। उनके अपने डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स होते हैं जो कि पूरी कंट्री में चल रहे होते हैं। कुछ यहाँ पे न्यूज एजेंसीज इन पाकिस्तान, हो सकता है आपके एग्जाम में जस्ट आपको लिस्ट डाउन करने को कह दिया जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज जो हैं प्रोमिनेंट जो हैं उनकी हमने यहाँ पे बात की है। द फोर नेशनल न्यूज एजेंसीज इन पाकिस्तान विच स्प्रेंग अप आफ्टर द इंडिपेंडेंस आर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP, द पाकिस्तान प्रेस एसोसिएशन लेटर रीनेम्ड द प्रेस इंटरनेशनल PPI, द यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान UPP, एंड द नेक्स्ट द न्यूज एजेंसी NNA। मैनी अदर न्यूज एजेंसीज हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड्स। न्यूज एजेंसीज इन द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ फेमस न्यूज एजेंसीज जो पूरी दुनिया में होती हैं उनका यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है, उनके नेम द एसोसिएटेड प्रेस AP, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल UPI, द कैनेडियन प्रेस CP, कैनेडियन PC, रॉयटर्स, AFP एजेंसी फ्रांस प्रेस, SPA सऊदीया प्रेस एजेंसी, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
यहाँ पे हमने अपना जो टॉपिक है उसको एंड किया है। हमने एक छोटा सा एक हमने देखा कि न्यूज़ एजेंसीज क्या होती हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही होती है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन सी जो है, एक हिस्ट्री देख ली हमने, ब्रीफ हिस्ट्री देख ली यहाँ पे हमने, और फिर हमने इम्पोर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज का यहाँ पे थोड़ा जिक्र किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। एडवर्टाइजिंग इज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉइज एंड ओपनली स्पॉन्सर्ड नॉन पर्सनल मैसेज टू प्रोमोट और सेल अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। जैसे हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है अपने लास्ट लेक्चर्स में, काफी डिटेल में कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो एडवर्टाइजिंग को हम कह सकते हैं कि वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जिसके जरिए जो ओपन जिसके जरिए, और ये नॉन पर्सनल मैसेज है क्योंकि पर्सनल तो कोई मैसेज नहीं हो सकता। जिसने एडवर्टाइजर है जो कि हायरिंग करता है एडवर्टाइजिंग टीम को और लेकर जाता है, जो जो भी ब्रांड है अप्रोच करता है एडवर्टाइजिंग टीम को, तो वो अपने पर्सनल मैसेज जो है दे रहा होता है। ये इदारा जो है वो नॉन पर्सनल है क्योंकि वो हर तरह के ब्रांड्स ले रहा होता है, हर तरह के मैसेजेस जो है उनको प्रोमोट करने के लिए, उनको सेल करने के लिए उनकी मदद कर रहा होता है, एडवर्टाइज कर रहा होता है चीजें, लेकिन ये नॉन पर्सनल इदारा है। और नॉन पर्सनल मैसेज भी इसका नॉन पर्सनल ही हुआ ऑब्वियसली। तो नॉन पर्सनल मैसेज टू प्रोमोट और किस लिए होती है, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को या किसी भी आइडिया को प्रोमोट करने के लिए या सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है जो कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। और अकॉर्डिंग टू कॉटलर, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रोमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक पेड, ये पेड फॉर्म में होती है क्योंकि जब भी कोई ब्रांड अप्रोच करता है एडवर्टाइजिंग कंपनी को तो वो पे करता है, तो ये पेड है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन क्योंकि नॉन पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। एंड प्रोमोशन ऑफ, इसमें क्या होता है, प्रोमोशन ऑफ आइडियाज गुड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, क्योंकि आपका स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाइड होता है, आपको पता होता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ द यूके, एडवर्टाइजिंग इज एनी कम्युनिकेशन यूजुअली पेड फॉर स्पेशली इंटेंडेड टू इन्फॉर्म एंड और टू इन्फ्लुएंस वन और मोर पीपल। वो कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग जो है वो एक कम्युनिकेशन है जिस पेड फॉर्म में होती है यूजुअली, और स्पेसिफिकली इंटेंडेड किस लिए की जाती है, एक किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को या जो भी उसका टारगेटेड ऑडियंस है उसको इन्फॉर्म करने के लिए या इसको उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है, और वन और मोर पीपल के लिए की जाती है, बेसिकली ज्यादा लोगों के लिए की जाती है एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म, एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्स द एडवर्टाइजर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्सर टू पे टू क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग मैसेज, टू बाय एडवर्टाइजिंग मीडिया स्लॉट एंड टू मॉनिटर एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। क्योंकि हमने बात की है कि पेड फॉर्म है जो कि एडवर्टाइजर है, जो भी आपका जो स्पॉन्सर जिसको आप कह रहे हैं वो पे करता है, किस लिए पे करता है कि क्रिएट किया जाए, मैसेज क्रिएट किया जाए और जो मीडिया जो आप स्लॉट यूज कर रहे हैं उसको बाय किया जाए और जो आपके एफर्ट्स हो रहे हैं, जो भी एफर्ट्स उनको मॉनिटर किया जाए, तो ये एक पेड फॉर्म है, पेड किया जाता है एडवर्टाइजिंग में। टूल फॉर प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग इज एन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स ऑफ एन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टाइजिंग जो है आपका एलिमेंट है, प्रोमोशन मिक्स है, जिसकी वजह से प्रोमोट किया जाता है कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या एक एलिमेंट की तरह है जिसमें उसको प्रोमोशन और किसी भी इदारे को प्रोमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। ये किसी इदारे की भी बात कर लें, अगर किसी प्रोडक्ट की बात कर लें या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, तो प्रोमोशन के लिए एलिमेंट एडवर्टाइजिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। वन वे कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग इज अ वन वे कम्युनिकेशन वेयर ब्रांड्स कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन कैसे है, जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं हमसे
और वो वन वे कम्युनिकेशन है, वो हमसे कम्युनिकेट करें, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं करें। एक फॉर एग्जाम्पल, हम अगर टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट अगर देख भी रहे हैं हम लोग, तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो ब्रांड हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ, और जिसके जरिए हम, और इसको करते किस तरह है, हम डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं, और मीडियम यूज कर सकते हैं हम प्रिंट मीडिया यूज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मीडियम हम यूज करते हैं, पर्सनल और नॉन पर्सनल। पर्सनल भी हो सकती है और नॉन पर्सनल भी हो सकती है। एडवर्टाइजिंग कैन बी पर्सनल एज इन द केस ऑफ टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, और हाईली पर्सनल, सॉरी, एडवर्टाइजिंग कैन बी नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल जब होती है, इस केस में जब टीवी पे ऐड जा रहे होते हैं या रेडियो पे ऐड जा रहे होते हैं या न्यूज़पेपर पे जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है, वो नॉन पर्सनल है, वो सबके लिए। और हाईली पर्सनल एज इन द केस ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर कुकी बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स। और पर्सनल किस लेवल पे हो रही होती है, जब हम इन सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, आजकल तो हम देख रहे हैं यूट्यूब, जब भी यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है, सोशल मीडिया जब हम यूज कर रहे होते हैं, वो जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ की जा रही होती है वो पर्सनल होती है, क्योंकि जब हम वो वीडियो वॉच करेंगे तभी जाके वो एडवर्टाइजमेंट आएगी। या फिर हम कोई गेम्स खेल रहे होते हैं, जैसे हम डाउनलोड करते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट उसमें ऑनलाइन गेमिंग में भी जा रही होती है, तो वो भी जब हम गेम खेलेंगे तभी आएगी। तो वो कुछ जो होती है वो नॉन पर्सनल होती है, कुछ होती है पर्सनल। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज इनटू अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। जो टाइप्स ऑफ अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है 3 लेवल्स में। एक अबव द लाइन है, एक बिलो द लाइन है, और एक थ्रू द लाइन है, लाइन के बीच में जो आ रहा है उसकी हमने बात की है यहाँ पे। अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट, ATL एडवर्टाइजमेंट, और इसको ATL एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। ये किसमें क्या होता है, ATL एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड एक्टिविटीज दैट आर लार्जली नॉन टारगेटेड एंड हैव अ वाइड रीच। एग्जांपल ऑफ अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग आर टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। जितनी भी ये आपकी लार्जली नॉन टारगेटेड और रीच, और जिसका जो आपका मैसेज होता है वो वाइड रीच, और उसकी ऑडियंस जो होती है दूर दूर तक फैली होती है, तो ये एक अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, जो सबके लिए होती है। और कौन टीवी में हो रही होती है, रेडियो के लिए हो रही होती है, या न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट जितनी भी हो रही होती है, वो ATL अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट में हो रही होती है। वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ATL एडवर्टाइजमेंट में आ रही होती है। बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग इंक्लूड कन्वर्जन फोकस्ड एक्टिविटीज विच आर डायरेक्ट डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस। वहां पे अबव द लाइन जो है हमने, वो सबके लिए थी, वो हम वाइडर ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे थे, और लार्जर ऑडियंस को हम वहाँ टारगेट कर रहे थे। बिलो द लाइन में यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप है कोई, इनका कोई स्पेसिफिक ऑडियंस है इनकी, स्पेसिफिक का यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। एग्जाम्पल ऑफ बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग आर बिलबोर्ड्स, स्पॉन्सर्स, इन स्टोर एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में अगर हम बिलो द लाइन, जैसे हम BTL एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं और कहते हैं, तो इसमें इसकी एग्जाम्पल हम ले लेंगे जितने भी बिल बोर्ड होते हैं। अगर बिल बोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल गुल अहमद का बिल बोर्ड है, तो यहाँ पे गुल अहमद जो है वो सारी, और वुमेन वेयर का है, तो वो वुमेन वेयर का बिल बोर्ड जो है वो स्पेसिफिक टारगेट कर दिया गया, स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप कर दिया गया। तो वहाँ पे बिल बोर्ड जो है, और वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और उसमें सिर्फ कौन सी कैटेगरी आ रही है, वुमेन की कैटेगरी आ रही है, और उसमें और कोई नहीं शामिल, वो तो स्पेसिफिक कर दिया और टारगेट कर दिया उसको, तो बिलो द लाइन एडवर्टाइजमेंट हुई, BTL एडवर्टाइजमेंट। या जितनी भी इन स्टोर एडवर्टाइजिंग हो रही होती है वो सारी BTL एडवर्टाइजिंग होती है। थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग, थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग जिसे हम TTL एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, TTL एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड एक्टिविटीज which involves the use of both ATL and BTL strategies simultaneously. अब ये जो थ्रो द लाइन एडवर्टाइजिंग है, इसमें बहुत जो एक्टिविटीज हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ATL और BTL की स्ट्रेटजीज शामिल हो जाती हैं। दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ब्रांड बिल्डिंग एंड कन्वर्जन एंड मेक यूज ऑफ टारगेटेड पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज। एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग आर
कुकी बेस्ड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ रही होती है या कुकी बेस्ड एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, वो थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग होती है। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ये ले लेते हैं कि कहीं पे हमें, फॉर एग्जाम्पल हमें ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि गेट अ वाउचर ऑन क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, ठीक है, वो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको वाउचर मिल रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करो। जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको फिर पता चला कि आपको, फॉर एग्जाम्पल जे डॉट का आपको परफ्यूम यहाँ पे अवेलेबल है या उस पर डिस्काउंट वाउचर है, और आप जाते हो और फिर आप डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या जे डॉट पे जाते हो और परचेज करते हो, तो कनेक्शन आ रहा है ना ये, जिसमें बोथ ATL एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है और BTL एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि थ्रू द TTL वी यूज क्वालिटीज ऑफ बोथ ATL एंड BTL स्ट्रेटजीज, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी कैरेक्टराइज इंटू फाइव टाइप्स बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट मीडियम यूज्ड। दीज टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर प्रिंट एडवर्टाइजिंग। अब कुछ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज जो है उनको भी कैटेगराइज कर दिया, सॉरी, फाइव टाइप्स में, तो बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट मीडियम पे। तो दीज टाइप्स, अगर इनको हम और कहें कि इनको फर्दर डिवाइड कर दिया, तो वो प्रिंट एडवर्टाइजिंग होती है जो कि न्यूज़पेपर्स के जरिए हो रही होती है। जितना भी प्रिंट मीडिया हमने यहाँ पे यूज कर लिया, हमने प्रिंट की मीडिया की बात की थी, तो यहाँ पे प्रिंट एडवर्टाइजिंग में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, एडवर्टाइजमेंट जितनी भी हो रही होती है, ये प्रिंट मीडिया के थ्रू वो प्रिंट एडवर्टाइजिंग होती है। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट, जब याद हमने वर्ड ब्रॉडकास्ट अगर यूज किया है तो उसमें टीवी एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे बैनर्स आ जाते हैं, फ्लैग्स आ जाते हैं, रैप्स आ जाते हैं, होर्डिंग्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है। होर्डिंग क्या होती है? आपकी अ लार्ज बोर्ड इन पब्लिक प्लेस यूज टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। जब आप देख रहे होते पब्लिक गैदरिंग में या पब्लिक प्लेस पे जो लार्ज बोर्ड्स होते हैं जिसपे डिस्प्ले ऐड किया जाता है, वो सारे आपके होर्डिंग्स कहलाती है। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, जितने भी हम बैनर्स देख रहे हैं, जितने भी हम फ्लैग्स देख रहे हैं, ये सारे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स में आ जाते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेड ओवर द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आपकी हो रही होती है, डिस्प्ले हो रही होती है, इंटरनेट पे हो रही होती है या डिजिटल डिवाइसेस पे हो रही होती है, वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आ जाती है आपके। प्रोडक्ट ब्रांड इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स इन द एंटरटेनमेंट मीडिया लाइक टीवी शोज, यूट्यूब वीडियोज एक्सेट्रा, ये सारी आपकी प्रोडक्ट ब्रांड इंटीग्रेशन में आ जाती है। जब हम प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं या प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, जितनी भी इंटरटेनमेंट मीडिया के थ्रू, टीवी शोज में या फिर हम यूट्यूब के जरिए वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे किसमें आपके इंक्लूड होते हैं? प्रोडक्ट ब्रांड इंटीग्रेशन में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। देर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। दीज आर टू इंफॉर्म, टू परसुएड, टू रिमाइंड। अगर हम बात करें थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी वजह से एडवर्टाइजिंग की जाती है? नंबर वन तो होता है टू इन्फॉर्म। जो भी किसी भी ब्रांड के बारे में या किसी भी ब्रांड के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पब्लिक को या टारगेटेड ऑडियंस को या ऑडियंस को इन्फॉर्म किया जा जब करना होता है, तो एडवर्टाइजिंग की जाती है। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा क्या होता है? टू परसुएड, कायल करना। जब हमें कि कायल करना है अपनी ऑडियंस को या टारगेट ऑडियंस को या लोगों को कायल करना है कि आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीदें, या किसी भी प्रोमोशन करनी है और प्रोमोशन के जरिए पर्सुएशन करनी है, तो फिर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट टू रिमाइंड, एक रिमाइंडर के लिए भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हम कुकिंग ऑयल है ऑलरेडी डालडा, लेकिन उसकी जो एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, तो वो बार बार दिखाया इसलिए जा रहा है, वो रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई ये डालडा का ब्रांड भी है, सोया सुप्रीम के साथ साथ डालडा भी है, तो ये एक रिमाइंडर है। तो रिमाइंड कराने के लिए अपनी ऑडियंस को भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर सबसेट्स ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स। दीज सबसेट्स आर, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके अंदर कुछ सब ऑब्जेक्ट सबसेट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। जैसे हम कह सकते हैं ब्रांड बिल्डिंग
किसी भी ब्रांड की बिल्डिंग के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है. ब्रांड है, एक न्यू ब्रांड मार्केट में आया है, उसके उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए तो एडवर्टाइजिंग की जाती है, या फिर इंक्रीजिंग सेल्स के लिए की जाती है. जब किसी भी ब्रांड या कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह जिसके लिए आपने एडवर्टाइजिंग की है, उसकी सेल्स इंक्रीज करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है. क्रिएटिंग डिमांड, डिमांड बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए तब भी एडवर्टाइजिंग की जाती है. प्रोडक्ट हो या जो भी एडवर्टाइजिंग का जो भी आपका प्रोसेस है, किसी भी आइडिया, किसी भी नॉलेज, उसकी अगर डिमांड बढ़ानी है आपने, तो फिर आप उसको एडवर्टाइजमेंट की जाती है. एंगेजमेंट के लोग इसी में रहें, इसी प्रोडक्ट को यूज करें, तो भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है. एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए भी, एक्सपेंड करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग की जाती है. चेंजिंग कस्टमर्स एटीट्यूड एक्सेट्रा, कस्टमर्स के जो बिहेवियर है उनके एटीट्यूड या फिर इनको चेंज करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे. इंफॉर्मेशन परसुएशन और रिमाइंडर के लिए की जाती है, और इसके अंदर कुछ सबसेट की बात कर ली है कि ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ जिनकी वजह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है. एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट. द वाइड अपील ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन एज इट कैपिटलाइजेस ऑन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है, आपने एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है उसकी, किसी भी प्रोडक्ट की, वो रिड्यूस करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. ठीक है, द वाइड अपील ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस, जितनी ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वाइडर अपील देते हैं, इंक्रीज क्या करता है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, डिमांड बढ़ाता है प्रोडक्ट की, विच बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेनिफिट करता है ऑर्गेनाइजेशन को और कैपिटलाइजेस करता है उसकी इकोनॉमी को. नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन ब्रांड बिल्डिंग, किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है. एडवर्टाइजमेंट्स वर्क इफेक्टिवली इन ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड्स हु एडवर्टाइज आर प्रेफर्ड ओवर दोज व्हिच डजंट. जो ब्रांड्स हैं ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है बनिस्बत उनके जो कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करते. उसी प्रोडक्ट को ज्यादा कंसिडर किया जाता है जिसकी एडवर्टाइजिंग हो रही होती है. हेल्प्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, जब भी किसी कंपनी को किसी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो वो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करता है. लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज इजी व्हेन इट इज बैक्ड अप एन एडवर्टाइजमेंट. किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत इजी हो जाता है जब उसकी उसको बैक्ड अप किया जाए किससे, एडवर्टाइजमेंट से. बूस्ट अप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन द ब्रांड, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ब्रांड पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है. एडवर्टाइजमेंट्स बूस्ट अप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन द ब्रांड एज दे गेट अ फीलिंग ऑफ प्राइड व्हेन दे सी एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और द ब्रांड दे यूज. कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है. इसकी एग्जाम्पल ऐसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब हम कोई भी आजकल जितनी भी लॉन सूट्स की जो प्रमोशन हो रही होती है, जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, फिर हम बात करते हैं एक दूसरे से कि हमने ये ब्रांड वेयर की है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा होता है कस्टमर का. और जब वो देख लें कि इसका एडवर्टाइजमेंट भी आया हुआ होता है, तो उनका और ज्यादा उस पे ब्रांड पे एक तो उनका एतमाद और वो फीलिंग, उनकी जो प्राउडनेस की जो उनकी फीलिंग है और उनकी कॉन्फिडेंस जो है उनको, वो उस पे बरकरार रहता है. हेल्प इन रिड्यूसिंग कस्टमर टर्नओवर, जितना भी टर्नओवर है उसको रिड्यूस करने के लिए, कस्टमर के टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जाती है. स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यूज न्यू ऑफर्स एंड बेटर सर्विस हेल्प रिड्यूस कस्टमर टर्नओवर, जिसकी वजह अगर अच्छी से एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो वो रिड्यूस कर देता है ऑटोमेटिकली कस्टमर टर्नओवर. अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट हेल्प द ब्रांड इन गेनिंग न्यू कस्टमर्स एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस. जो अगर हम कह लें कि अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है, उसकी वजह से न्यू कस्टमर्स आपके जो ब्रांड को देख रहा है और अच्छे से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो ब्रांड को देखते हुए वो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा.
या वो जो आइडिया है, अगर किसी भी आइडिया की वजह से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो वो आइडिया अडॉप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको वो आइडिया, तो न्यू कस्टमर्स बनेंगे. तो बिजनेस के एक्सपेंडेशन के लिए और प्रोमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है. एजुकेट्स द कस्टमर्स. सेकेंड है कि एजुकेट्स द कस्टमर. कस्टमर को एजुकेट करने के लिए किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट की जाती है. एडवर्टाइजमेंट्स इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड ऑल्सो एजुकेट्स देम इन वॉट दे शुड लुक फॉर इन एन ऑफ प्रोडक्ट. कस्टमर को एजुकेट करने के लिए कि नहीं, ये प्रोडक्ट आपका बेहतर है, ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा, ये प्रोडक्ट बेहतर है, उनको एजुकेट करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है. तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं, और इससे ज्यादा भी, और ज्यादा अगर जिसको और ज्यादा लिस्ट करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस हैं ऑफ व्हाट एडवर्टाइजिंग के. डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. इंक्रीजेस द कॉस्ट. एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंसिव टू द बिजनेस एंड इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. दिस कॉस्ट इज इवेंचुअली बोर्न बाय द एंड कस्टमर. अब अगर हम इंक्रीज द कॉस्ट की बात करें, कि अगर किसी की, अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. जब पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ेगी. तो कॉस्ट इन कॉस्ट ऑब्वियसली आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, आपके बिजनेस पे आपके लोड आएगा, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट पूरे प्रोसेस से आपको पे करना होगा, क्योंकि ये पेड प्रमोशन है ना, पेड आइडिया, तो आपको पे करना पड़ेगा. तो इंक्रीजेस द कॉस्ट. नंबर टू, कंफ्यूजेस द बायर. टू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स विद सिमिलर क्लेम्स ऑफन कंफ्यूजेस द बायर्स बायर इन वॉट टू बाय एंड शुड ही बाय द प्रोडक्ट और नॉट. जब बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है डिफरेंट ब्रांड की तरफ से, तो वो बायर को बहुत कंफ्यूज कर जाती है, कर देती है. यहाँ पे हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, कैसे बायर को कंफ्यूज करेगी, बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स की एड्स आ रही हैं एक वक्त में, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है हर तरफ से. तो फिर बायर जो है आपका, वो कंफ्यूज होगा, तो वो कंफ्यूज कर देते. तो यहाँ पे बात की जा रही है, टू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स विद सिमिलर क्लेम्स ऑफन कंफ्यूजेस द बायर. नेक्स्ट इज समटाइम्स मिसलीडिंग. समटाइम्स जो है वो मिसलीड कर देती है. सम एडवर्टाइजमेंट्स यूज स्मार्ट स्ट्रेटजीज टू मिसलीड द कस्टमर्स. कुछ जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, वो इतने स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो कस्टमर को अपनी मिसलीड कर रहे होते हैं. यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जितनी भी फेयरनेस क्रीम की एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है, वो एक्चुअल में तो मिसलीडिंग ही है. तो वो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो आपके कस्टमर को मिसलीड कर रहा होता है. ओनली फॉर बिग बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग इज अ कॉस्टली अफेयर एंड ओनली बिग बिजनेसेस कैन अफोर्ड इट. ये एक कॉस्टली अफेयर है, जिनके बड़े, जो बिग बिजनेस हैं या जो बिग ब्रांड नेम्स हैं, वो ही अफोर्ड करते हैं ज्यादा से ज्यादा इन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि पेड प्रमोशन है, पैसा लग रहा है आपका, टाइम लग रहा है, टाइम स्पेस मनी ये लग रहा है आपका, तो फिर बिग बिजनेसेस ही अफोर्ड करते हैं. दिस मेक्स स्मॉल बिजनेसेस आउट ऑफ द कंपटीशन विद बिग बिजनेसेस हु गेट टू एंजॉय अ मोनोपोली इन द मार्केट. हम यहाँ पे बात करें कि इससे क्या होता है, कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनको आउट ऑफ द कंपटीशन कर दिया जाता है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे बिग बिजनेसेस, जहाँ पे जिन जो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं मोनोपोली किसमें, मार्केट में, मनी मार्केट में. Encourages the scale of inferior products. Effective advertisements even led to the scale of inferior products which aren't good for the customers. Effective advertisement जो आपकी होती है, वो किस तरफ ले जाती है, आपके scale of inferior products जो होते हैं, which encourage करती है, जो inferior products. Inferior products आपके कौन से हो रहे हैं, जो आपके inferior products हैं, जिनके इतनी ज्यादा value नहीं है. तो लेकिन अगर आप advertisement की जाए, अगर effectively advertise किया जाए, तो वो फिर उनकी डिमांड बढ़ा देती है, तो उनका सेल बढ़ा देती है, उनकी इनकरेज कर देती है सेल को. तो यहाँ पे हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात की. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, हम जब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह, तो वो पब्लिक रिलेशन से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.